ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इन तस्वीरों से आपको उस दौर की याद आ रही होगी जब मोबाइल फोन्स हाथ में आना शुरू हुए थे। सबसे पहले आप नोकिया का फ़ोन देखिए, कहीं ना कहीं इसको जब चार्ज किया जाता था तो इसकी बैटरी एक हफ्ते तक चलती थी। उसके बाद सैमसंग का ये क्यूआरटी कीपैड आया, फिर ब्लैकबेरी आया जो क्लास दिखाता है, और वर्तमान में सैमसंग का ये फोल्ड फ़ोन आया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बदलते दौर के साथ फ़ोन का भी दौर बदला, स्टाइल बदली। कभी छोटे फ़ोन पसंद किए गए तो कभी बड़े फ़ोन, कभी टच स्क्रीन पसंद किए गए तो कभी क्यूआरटी कीपैड वाले। और अगर देखा जाए बरेली की, तो बरेली में भी लगातार जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी बिक्री बढ़ती जा रही है। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संदीप मेहरा जी, जो एपेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप चला रहे हैं और पिछले कई सालों से ये इस बटलर मार्केट में हैं। और बटलर मार्केट की सबसे पहली जो शॉप खुली थी मोबाइल फ़ोन की, वो इन्हीं के थ्रू खुली थी। इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि आज टेक्नोलॉजी के बदलते परिवेश में किस तरीके से चीज़ें बदली हैं, ग्राहकों को क्या पसंद आ रहा है और किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो मार्केट में नज़र आ रही है। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। संदीप जी, एक वो दौर था जब ये फ़ोन चलते थे, जो अपने पुरानी यादें ताज़ा की, और एक ये दौर है जब ये फ़ोन चलते हैं। दौर बदलता गया, मोबाइल फ़ोन्स के जो टेक्नोलॉजी हैं वो बदलती गई, स्टाइल बदलते गए। अगर वर्तमान की बात की जाए तो आज के दौर में जो ग्राहक आपके पास आ रहे हैं उनकी पहली पसंद क्या हो रही है? आज की डेट में जो ग्राहक बाज़ार में आ रहे हैं उनकी पहली पसंद रहती है मेमोरी ज़्यादा होनी चाहिए और कैमरा बहुत बढ़िया होना चाहिए। कैमरा और मेमोरी के बेस पर ही फ़ोन बिकता है। बाकी फ़ीचर्स तो चूँकि एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं सारे के सारे, उनमें सब फ़ीचर्स प्री लोडेड होते ही हैं और प्ले स्टोर से सब लोग डाउनलोड कर लेते हैं। और स्क्रीन साइज़ बड़ा चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक जो क्लास कस्टमर है उसको बड़े स्क्रीन की जगह छोटे स्क्रीन का क्रेज़ उसको ज़्यादा हो रहा है कि छोटे स्क्रीन में जो है उसको सेट मिल जाए, क्योंकि वो पॉकेट से बाहर निकालना नहीं चाहता है। एक दौर था जब हम बेल्ट में मोबाइल लगा करके घूमते थे और एक टशन दिखाते थे कि साहब हमारी जेब में मोबाइल है, या डोरी डाल करके हम जेब में घूमते थे। जब मैं दिखा रहा हूँ ये वाला, जिस तरीके का ये वाला फ़ोन है, इसमें यहाँ फीचर भी वो भी होता था यहाँ पर बना हुआ कि जिसमें आप डोरी लगा सकते थे अलग से। और अब आज टच का ज़माना है, फ्लिप और फोल्ड आज मार्केट में पकड़ रहे हैं, जगह अपनी बना रहे हैं। और आज सैमसंग ने तो फ्लिप 5 तक लॉन्च कर दिया है, ओप्पो ने लॉन्च किया हुआ, काफ़ी सारी कंपनीज अब फ्लिप और फोल्ड में आ रही हैं। संदीप जी, एक सवाल ये है कि अभी जैसे आपने बताया कि अब के दौर में लोग मेमोरी और कैमरा देते थे, लेकिन पहले के दौर में जो ग्राहक हैं वो बैटरी देखा करते थे कि भाई एक हफ्ते चल रही है, 10 दिन चल रही है, 15 दिन चल रही है। हालांकि मनोरंजन का उस समय भी दौर था, रेडियो, उसके बाद फिर फ़ोन में स्नेक गेम आना शुरू हुए, बाउंस गेम आना शुरू हुए। तो ये लगातार जो चेंजेस हैं इसको आप कैसे देखते हैं कि एक दौर था लोग बैटरी की ज़्यादा डिमांड करते थे, आज कैमरे की डिमांड है, आज स्क्रीन की डिमांड है, आज मेमोरी की डिमांड है? पहले जहाँ तक मुझे याद है, जिस टाइम पेजर शुरू हुए थे आना, तो एक बहुत छोटा सा दौर आया पेजर का। तो पेजर में हम मैसेज भेजते थे, सेंटर को फ़ोन करते थे, वो भेजता था। उसके बाद फिर मोबाइल आना शुरू हुए, तो शुरू में मैं आपको याद दिलाऊं कि 18 रुपये पर मिनट की आउटगोइंग कॉल हुआ करती थी और 9 रुपये मिनट की इनकमिंग कॉल हुआ करती थी, और उसमें भी शुरू के 5 सेकंड फ्री होते थे। तो लोग बहुत जल्दी कोशिश ये करते थे कि 5 सेकंड में वो बात करके कि बस अपना जो मैसेज देना उन्होंने कम्युनिकेट किया और फ़ोन रख दिया, अदरवाइज़ उनके 18 रुपये पर मिनट के हिसाब से बिल बनता था इसका। और अब दौर ऐसा आ गया कि अब आज अनलिमिटेड हो गया है। और अगर बहुत दिन पहले ना जाएं, 5-6 साल पहले जो है वो हम 1 GB डाटा खरीदते थे 300 रुपये का, आज 300 रुपये में हम उनको 60 GB और 70-80 GB बल्कि 90 GB तक डाटा जो है हर महीने मिल रहा है, और वो भी हमको कम पड़ता है। तो आज अनलिमिटेड पैक हम मांगते हैं नेट के लिए, क्योंकि हमारे यूजेस बढ़ गए हैं। और सबसे ज़्यादा क्या है कि आज टच में जो है वो मोबाइल पर डिपेंडेंसी सब चीज़ की बढ़ गई है, क्योंकि एक तरीके देखा जाए तो मोबाइल बहुत सारे ट्रेड्स को, बहुत सारे प्रोडक्ट को उसने ख़त्म कर दिया है। सारी चीज़ें मोबाइल के अंदर आ गई हैं। जब मेरे को याद है कि अच्छी तरह से जब मोबाइल शुरू हुए थे तो खाली कॉल हुआ करती थी इसमें और मैसेज भी नहीं थे, फिर थोड़ी देर बाद मैसेज आना शुरू हुए, फिर मैसेज के बाद में पिक्चर बनना शुरू हुई इसके अंदर कि मैसेज से हम पिक्चर बनाते, जो हैश और एट द रेट ऑफ और ये जो इसके वो होते थे साइन, उनसे हम मैसेज बनाना शुरू किया था। फिर थोड़े टाइम बाद मैसेज शुरू हुए, फिर गेम शुरू हुए इसके अंदर। तो एक बहुत, और सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट फ़ोन थे, ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन के बाद में फिर वाइट स्क्रीन आना शुरू हुई, और आज फोल्ड तक या इतने बड़े बड़े सेट हम लोग लेकर के आ गए हैं मार्केट के अंदर में हैं। तो एक बहुत ज़्यादा परिवर्तन जो है मोबाइल ट्रेड के अंदर आया है।
संदीप जी, अगर शुरुआत की बात करूं तो जितना मुझे जानकारी है कि एक कंपनी नोकिया हुआ करती थी, एक कंपनी मोटोरोला हुआ करती थी, फिर उसके बाद सैमसंग आया। आज के दौर में ओप्पो, वीवो, ऐसे तमाम फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं जो अलग अलग फीचर्स दे रहे हैं, अलग अलग उनका रेट है। टेक्नो एक नया फ़ोन आया, ऐसे तमाम लगातार जो है कंपनीज आ रही हैं और अपने अपने फ़ोन जो है लॉन्च कर रही हैं। जब कंपटीशन था नोकिया और सैमसंग में, मोटोरोला में, और आज सैमसंग और मोटोरोला के अलावा जो है तमाम कंपनियां हैं, तो क्या लगता है इस पे मार्केट पे भी कुछ असर पड़ा है या ग्राहकों पे भी कुछ असर पड़ा है? देखिए, जब फ़ोन शुरू हुए थे सबसे पहले मोटोरोला, सीमेंस और सोनी रिक्सन, इनसे स्टार्ट हुआ था। तो कुछ ही समय के बाद में नोकिया मार्केट के अंदर आ गई, तो नोकिया का मैं समझता हूँ 90% के आसपास का शेयर हो गया था, क्योंकि सेट में बैटरी बहुत बढ़िया होती थी, 6-7 दिन तक बैटरी चार्ज होने की। फिर उसमें काम ही एक था खाली, कि हमें मोबाइल बात करनी और रखना है फ़ोन बस उसके अंदर। और उसके बाद में फिर सैमसंग आया, सैमसंग ने देखा कि उसने एंड्रॉयड को जल्दी पकड़ा, जिस टाइम एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी मार्केट में आई कि टच के साथ में, तो एंड्रॉयड उन्होंने इसको पकड़ा। तभी आज की डेट में सब कहते हैं कि सैमसंग के फ़ोन हैंग करते हैं, क्योंकि उस टाइम वो शुरू हुआ था, बिल्कुल जिस टाइम शुरू हुआ तब 2 GB, बल्कि मेरे पास अगर आप दिखाऊंगा आपको तो 2 MB का कार्ड भी होगा और 16 MB का कार्ड भी मेरे पास रखा होगा, मेमोरी कार्ड आज की डेट में अपनी याददाश्त के लिए, कि इतना टाइम होता था। आज 512 GB और मिनिमम 256 GB, 128 GB तो कस्टमर मांगता ही मांगता है कि मेरे को मेमोरी कार्ड चाहिए। तो एक बहुत अच्छा दौर उस समय रहा था, फीचर्स कम होते थे, जो हमने बेच दिया कस्टमर को उसको समझ में आता था, फीचर्स के साथ साथ बैटरी का उसको मेन फोकस रहता था कि बैटरी उसको अच्छी मिल जाए। भी एक सवाल यह है, अगर बात की जाए बरेली की मार्केट की, तो आपसे मैं ये आंकड़ा जानना चाहूँगा कि लगभग अगर एक महीने की बात की जाए, पिछले महीने की, तो महीने भर में देखा जाए तो कितने फ़ोन्स जो हैं वो आज उसकी मार्केट वैल्यू रहती है और कितने फ़ोन्स लगभग बिक जाते हैं? आज की डेट में एग्जैक्ट बताना तो मुश्किल है, लगभग मैं अंदाज लगाता हूँ कि बरेली में 15,000 मोबाइल फ़ोन जो हैं बरेली सिटी और इंटीरियर में बिक जाते होंगे, क्योंकि जो कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से फ़ोन बिकते हैं, और एक इससे कहीं ज़्यादा संख्या जो है वो ऑनलाइन भी मार्केट में बरेली शहर के अंदर आती है। बिल्कुल, ऑनलाइन से ही जुड़ा मेरा सवाल है, कहीं ना कहीं जब से ऑनलाइन मार्केटिंग जो है प्रचलन में आई है, लोग घर बैठे किसी भी चीज़ को ऑर्डर करते हैं, घर पे डिलीवरी हो जाती है, उनको उनका जो फुटफॉल है वो नहीं हो पाता है, तो इससे मार्केट पर क्या असर पड़ता है? आपके लिए क्या चैलेंजेस हैं वर्तमान के दौर में? वर्तमान में जो हम लोगों को इसमें समस्या आ रही है वो ये कि कस्टमर ऑनलाइन रेट ट्राई करता है पहले बाजार में, उसके बाद में फिर बाजार में आकर के रेट ट्राई करता है, और ऑनलाइन में उसको MRP से डिस्काउंट दिखाया जाता है कि 15,000 का रेट इस पर कम कर रहे हैं, या तो उसके दिमाग में एक, जो हम लोग भारतीय हैं तो हम लोग को डिस्काउंट का रहता है कि 15,000 की छूट मिल रही है वहाँ पर, जबकि रेट लगभग बरेली मार्केट में और वहाँ पर दोनों जगह सेम है। बाजार में अगर वो ख़रीदता है तो उसको बहुत सारी सर्विसेज उसको मिल जाती हैं, उसका नंबर ट्रांसफ़र कराने हैं, कोई कवर चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, वो मार्केट में उसको इजीली अवेलेबल हो जाती है, और फिर पूरे साल तक कभी भी उसको कोई सर्विस चाहिए तो मार्केट में आकर के उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। बट ऑनलाइन में ये सारी फैसिलिटीज़ उसको नहीं मिलती है, एक बस ये रहता है कि 8 दिन या 10 दिन के अंदर आप अपना सेट चेंज कर सकते हैं, तो जो उतनी देर में कभी भी कोई उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आती है। संदीप जी, एक सवाल मेरा और है, अगर ऑनलाइन मार्केटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन्स ही नहीं, अब तो कपड़े भी लोग घरों पे मंगा ले रहे हैं, मोज़े, जूते, तमाम चीज़ें जो हैं घरों पे मंगा ले रहे हैं, तो इससे क्या मार्केट की वैल्यू कम हो रही है या फिर डिजिटल मार्केट की वैल्यू बढ़ रही है? नो डाउट डिजिटल मार्केट की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि आज की डेट में आदमी के पास समय नहीं है, वो हर समय मोबाइल में लगा रहता है तो एक ईजी हो गया, और जब से कोविड हुआ था तो कोविड के बाद में जो वॉइस के थ्रू हम ऑर्डर करने लगे, जो जो हम कम पढ़े लिखे लोग भी थे जिनको नहीं समझ में आता था, वो भी वॉइस कमांड के थ्रू जो है, जो ये भी एक मोबाइल का फीचर है, इससे फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। तो नुकसान हमारे लिए ये हो गया कि वॉइस कमांड से उसने ऑर्डर दे दिया तो उसको लगता है कि मेरा सामान अपने आप घर आ गया, और फिर जब डिजिटल इंडिया हो गया तो कैश आदमी कम इस्तेमाल करता है, मोबाइल में पैसे पड़े हुए हैं उसके, गूगल पे और जो दूसरी चीज़ें हैं पेटीएम है उससे वो तुरंत पेमेंट कर देता है उसको, तो ऑनलाइन का प्रचलन नो डाउट बढ़ रहा है बाजार में। संदीप जी, अब सवाल ये उठता है कि अगर एपेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो बरेली में मोबाइल फ़ोन का जब दौर शुरू हुआ तो आपने सबसे पहले अपनी दुकान खोली, उसके बाद बटलर पैलेस में आपकी दुकान थी, उसके बाद अब देखा जाए तो लगभग मेरे हिसाब से तो कई हज़ारों जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो इस समय बरेली में होंगे, तो आप एपेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का किस तरीके से फ्यूचर देखते हैं और भविष्य में क्या देखते हैं इसका फ्यूचर? देखिए, जिस टाइम ये मोबाइल शुरू हुए थे तो ऐसा लगता था कि मार्केट से ही मतलब सेल होती है, आज भी ऐसा नहीं है, एक बहुत बड़ा क्लास जो है मार्केट से ही मोबाइल परचेज़ करना चाहता है, जो ऑनलाइन में इंटरेस्ट नहीं लगता। ऑनलाइन में मेनली यूथ
जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, तो उसको लगता है कि ईजी मेरे को वहाँ से ये सेट आ जाएगा। और बटलर प्लाजा जिस टाइम मैंने मोबाइल शॉप खोली थी तो पहली शॉप थी, तो लोगों का कहना था कि मोबाइल या लैंडलाइन फ़ोन जो है ये मार्केट में कहाँ ख़रीदने आता है, ये तो घर जा करके बिकता है। बट देखते देखते एक ऐसा दौर हुआ, आज बटलर प्लाजा में हमारे लगभग लगभग 500 दुकानें हैं और मैं समझता हूँ करीब 200 से ज़्यादा शॉप्स जो हैं वो मोबाइल की शॉप्स हैं और 100 के आसपास जो है मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज़ की शॉप्स हैं। तो कस्टमर का फुटफॉल तो है ही है। और बटलर प्लाजा एक ऐसी जगह जो मेरे ख्याल पूरे यूपी में इससे बड़ा सिंगल हब कोई भी नहीं है, जहाँ पर सिंगल एक इस जगह पर जो है सबको मोबाइल फ़ोन वहाँ पर मिल जाएँ। संदीप जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, बटलर प्लाजा का आपने जिक्र किया, कहीं ना कहीं ये मार्केट जो है काफ़ी बड़ी मार्केट है और तमाम लोगों को रोज़गार भी इससे मिलता है और एक बढ़िया फुटफॉल भी यहाँ आता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मार्केट की अगर बाहर का जायज़ा लिया जाए या अंदर का जायज़ा लिया जाए तो अतिक्रमण एक बहुत बड़ा जो है कारण है इस बटलर प्लाजा का भी, और बटलर प्लाजा की जो बिल्डिंग है वो भी जर्जर स्थिति में है, तो इसके कभी जीर्णोद्धार के लिए आप लोगों ने कोई कदम उठाया या कभी किसी से बातचीत की है, और अतिक्रमण को लेकर कभी आप लोगों ने किसी से बातचीत की, क्योंकि जहां पर आप व्यापार करते हैं कहा यह जाता है कि उस जगह को हमेशा साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। बहुत ही ज्वलंत सवाल आपने किया है। मार्केट जो है वो काफ़ी पैसा मांग रही है यहाँ पर, क्योंकि बटलर की एक समस्या ये है कि यहाँ पर कई तरीके के दुकानदार हैं, कुछ किराए पर रह रहे हैं, कुछ ने अपनी शॉप खरीद रखी है, कुछ ने ऐसे ही रहना है जिनके मुकदमे चल रहे हैं, तो जो बटलर का ओनर है वो भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि इसमें हम कोई पैसा यहाँ पर खर्च करें। दुकानदार कहता है मेरी तो खाली एक दुकान है, और मार्केट में जो एसोसिएशन हमारी है उसमें बहुत सारे लोग पैसा नहीं देना चाहते, और बिना पैसे के जो है ये जो आज की डेट में हालात हो रही है, अतिक्रमण जरूरत से ज़्यादा बढ़ गया है और पार्किंग की भी समस्या मार्केट में है, और जो बटलर में सबसे अहम चीज़ है जो कस्टमर का फुटफॉल कम हुआ है वो एक पार्किंग, इसका बहुत बड़ा इशू है। तो लगता है भी हम लोग की एसोसिएशन नई दोबारा से बन रही है और जो अपने ढंग से काम करेगी तो ये अतिक्रमण और पार्किंग की समस्या को जरूर हल करेगी, और वही जो है रेनोवेशन के लिए भी, क्योंकि फ़ंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रेनोवेशन इतना ज़्यादा चाहिए कि उसके लिए फ़ंड जब तक बिल्डर हमारा नहीं देगा तब तक कुछ होना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। तो संदीप मेहरा जी को अभी आप लोगों ने सुना देखा कि मोबाइल फ़ोन में कैसे दौर बदले, आपकी यादें भी ताज़ा हुई कि कब आप एक स्नेक वाला फ़ोन लेकर चलते थे जिसको जो नोकिया के फ़ोन में वो गेम आता था, और आज के दौर पर देखा जाए तो ये फ़ोन है जो आजकल डिमांड में है। फिलहाल अगर देखा जाए तो लगातार जो टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली लोग हैं, उनकी संख्या में इजाफा हुआ है, टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है, तमाम चीज़ें जो हैं वो टेक्नोलॉजी के थ्रू आगे भी बढ़ती आ रही हैं, लेकिन अगर बात की जाए मार्केट के फुटफॉल की तो कहीं ना कहीं उसमें भी दिक्कत है, क्योंकि जो मेन कॉम्पिटिशन है वो ऑनलाइन मार्केटिंग का है। ब्यूटीजन बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, इनसाइडर बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।